माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी कि चले मम्मा पिज़्ज़ा बनाइए, तो मैं उनके लिए पिज़्ज़ा बेक करी थी, वो भी स्टोव बेकिंग करी थी। वैसे तो मेरे पास ओवन है बट वो मेरी मदर के घर पर है, तो मैंने सोचा चलें स्टोव पे बना देती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने जो प्रेप करके रखी है पिज़्ज़ा के लिए वो ये है कि मैंने पिज़्ज़ा डो तैयार करके रखी थी। इसके अंदर 2 कप मैदा है और इसके अंदर 1/2 टीस्पून सॉल्ट है और इसके अंदर ऑरिगेनो है। मैं ऑरिगेनो ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको मैंने 1/2 कप पानी में 1.5 चम्मच जो है वो टीस्पून ईस्ट डालकर और 2 टीस्पून जो है वो शुगर डालकर राइस कर लेते हैं पानी को। उसके बाद मैंने वो इसके अंदर ऐड करके इसकी डो बना ली है। तो हम इस डो को जो है वो दोबारा से एक दफ़ा गून लें। बहुत ज़बरदस्त हमारी एकदम सॉफ्ट डो तैयार हुई है इसकी, बिल्कुल अच्छा। और उसके साथ जो मैंने इसमें रखा है इंग्रेडिएंट वो रखे हैं, एक मैंने कैप्सिकम जो थी वो कट कर ली थी, एक थोड़ी सी मैंने इसके अंदर अनियन रखी है क्योंकि मेरे बच्चे इतने शौक से खाते नहीं हैं प्याज, और थोड़े से मैंने इसके अंदर जो है वो टिक्का चंक्स बना के रखे हैं। इसमें भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर सिर्फ टिक्का मसाला है, थोड़ा सा अदरक लहसुन है और नमक है और थोड़ा सा पिंच ऑफ गर्म मसाला है और 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये है चेडर चीज़, हमारे यहाँ ज़्यादातर चेडर चीज़ खाई जाती है, मोजरेला इतनी कोई नहीं पसंद करता। तो मैंने जो ये डो बनाई है वो ये मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है अपना पैन, इसमें मैं ये लगा दूँगी और अब हम इसको हल्के हाथों से सेट कर लेंगे अपने हाथों पे ऑयल लगा कर। ये देखें, अब मैंने इसको सेटल कर दिया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर फोक से इस तरह थोड़े थोड़े से होल कर देंगे, इसको पंचर कर देंगे टायर की तरह, इसकी हवा निकाल देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा फूल ना जाए। ये मैंने इसमें कट लगा दिए हैं। अब हमने क्या करना है, एक अंदर साथ साथ चीज़ें भी अपनी समेटती रहूँ। ये जो मेरा ये क्या है, ये जो मेरा पिज़्ज़ा सॉस है ये बहुत अच्छा है शंग्रीला का, तो वो मैं इसके ऊपर इस पर मैं इस तरह फैला दूँगी। आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा लगा दें, कम पसंद है कम लगा दें, मैं बिल्कुल नॉर्मल रखती हूँ। बस बच्चे बहुत ज़्यादा, मम्मा कितनी देर में बनेगा? बस बेटे अभी थोड़ी देर में तैयार हो गए। मम्मा बहुत भूख लग रही है। ओके गाइस, आपको पता है मेरी मम्मा बहुत अच्छी शेफ़ है। मम्मा बहुत अच्छी, आप लोग भी अपने बच्चों को देखिए, मैं अपने मम्मा के खाने बहुत ज़्यादा अच्छे इन्जॉय करता हूँ। ये देखें, अब हमने इसके ऊपर ये लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ये स्प्रिंकल कर देने हैं शिमला मिर्च। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप पहले भी चीज़ डाल सकते हैं, मेरे पास क्वांटिटी कम रह गई है तो मैं ऊपर ही डालूँगी, वरना तो मेरे पास जब चीज़ ज़्यादा होती है ये लास्ट ही वो बचाता है थोड़ा सा पीस, तो मैंने सोचा चले मैं अब इसको यूज़ कर लूँ। पहले ये सारी आप वेजीज डाल लीजिएगा, उसके बाद आप इसमें चिकन डाल लीजिएगा। नो एमा प्लीज़, तो यम्मी चिकन, इसके चंक्स जो है ना बना के आप डाल दें, चिकन ज़्यादा डालें, बच्चों को ज़ाहिर है चिकन और चीज़ दो पे ही ज़ोर होता है। मेरे बच्चे तो वेजीज जो हैं वो चुन चुन के निकालना शुरू कर देते हैं जबकि हेल्दी होती है खाना। मैं तो निकालता, अहमद नहीं निकालता लेकिन जैद ज़रूर करता है ये हरकतें। बहर ये हमने सेट कर दिया है और कितना यमी लग रहा है ना माशाल्लाह से। yes. अच्छा, अब जो है हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो चीज़ रखा हुआ है इसको मैं इसके ऊपर इसकी मदद से स्प्रिंकल कर दूँगी। अच्छा ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया चीज़ को। अब ये थोड़ी सी क्रश चिलीज़ है रेड चिली, इसको हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, इससे भी बहुत अच्छा कलर आता है चीज़ पर। मम्मी ये आपने कितनी डाली है? और ये जो है ओरिगैनो, ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब इसको हम इस तरह सेट कर देंगे
चीज़ को अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखें, ये पूरा सेट हो गया है। अच्छा, इससे पहले मैंने क्या किया था, पिज़्ज़ा रेडी करने से पहले मैंने क्या करा था कि ये अपना जो देगची है जिसमें मेरा ये आ सकता है मोल्ड पिज़्ज़े का, उसको मैंने रेडी कर लिया था मीडियम फ्लेम में। ठीक है, इसके अंदर अपना ये रखकर, बीच वाला जो इसकी लिड होती है ना, वो रखकर और मैंने इसको रेडी कर लिया है, प्री हीट कर लिया है तकरीबन 20 मिनट। अब मैं इसको इसमें रख देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको देगची के अंदर रख दिया है बेक होने के लिए। अब ये तकरीबन 20 मिनट में रेडी हो जाएगा। अब हम इसको रख देते हैं रेडी होने के लिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये मैंने अपने लिए बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि मैं तो पिज़्ज़ा खाती नहीं हूँ, इस वजह से मैंने अपने लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी और एक रोटी बनाई थी। अब जब तक ये पिज़्ज़ा हमारा इसके अंदर डन हो रहा है तो मैं खाना खा लूँगी, फिर इंशाल्लाह ताला जब ये बन जाएगा पिज़्ज़ा तो बच्चों को सर्व करूँगी। ये देखें, चीज़ जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो रही है, हमारी चीज़ मेल्ट हो रही है और पिज़्ज़ा भी जो है तो वो बेकिंग पर है। अब बहुत अच्छा बनता है स्टोव पे भी, कोई ऐसा ख़ास फर्क नहीं होता ओवन में और इसमें। मैंने भी अभी यहाँ पर जब मैं शिफ्ट हुई हूँ अपने ससुराल में, तब जाके मैंने ये स्टोव बेकिंग स्टार्ट करी है, वरना घर पर तो ओवन था मम्मी के मेरा, तो मैं उसी पे करती थी। तो इससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। जिनके पास ओवन नहीं है, जाहिर सी बात है, अब वो क्यों इन चीज़ों से महरूम रहें, वो देखी में इस तरह पिज़्ज़ा बेक करें और इन्जॉय करें। और ये देखें आप, ये बेचारे भूखे मेरे बच्चे जो है वो पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं बैठे हुए काउंटर पे। इनकी भूख से शक्लें देखें। मम्मा पिज़्ज़ा अच्छा बनाती है, मुझे सफर ही नहीं होता। बस बेटा होने वाला है जल्दी से। आपने बोला था 20 मिनट बाद, लेकिन आप एक घंटा हो गया। अभी एक घंटा नहीं हुआ बेटा, अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए। तो ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा डन हो गया। मैंने निकाल लिया था देगची में से, उसमें निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो जाहिर सी बात है मैं शूट नहीं कर सकी। और ये मैंने निकाल लिया, आप इसका लुक देखें। और ये इतना यमी बनता है ना, माशाल्लाह से इतनी सॉफ्ट डो होती है। मैं अब इसको कट कर लेती हूँ। टन, चलो आ जाओ बच्चों। आप लोगों के मैंने हिस्से लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये ज़ैनू का हिस्सा है और ये ज़ैद अहमद अपना पिज़्ज़ा इन्जॉय करेंगे। ठीक है, चलो अब मुझे बाइट लेके बताओ कि ये कैसा बना है। चलो ज़ैद, स्टार्ट खा के बताओ कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेस्ट करो। टेस्टी, आंखें तो खोल लो अपनी। गाइस, बाहर तो खाएं, आप बाहर के खाने को छोड़े, मेरी मम्मा की रेसिपी से बना के ना देखें। आप बताएं अहमद, कैसा लगा आपको? सॉफ्ट है। मम्मा को मैं यूज देता हूँ 99 में से 99। चले बच्चों, आप लोग अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करें। बाय बाय। ओके, आप बताएं अहमद, कैसा लगा आपको? सॉफ्ट है। मम्मा को मैं यूज देता हूँ 99 में से 99। चले बच्चों, आप लोग पिज़्ज़ा एंजॉय करें।